हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एचटीएमएल से रिलेटेड और चीजें बताई थी, लाइक एचटीएमएल फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं गाइस। ऑलमोस्ट हम एचटीएमएल कवर करने वाले हैं, इस तरीके से पूरी वेब डिजाइनिंग कवर करूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। और मेरे साथ बने रहिए, मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूँ सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में गाइस मैंने आपको एचटीएमएल फॉर्म्स और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स की बात की थी। आई थिंक आपको वो क्लियर हो गए होंगे। अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस, उसको आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं आपको थोड़ा और एचटीएमएल का टैग बताने वाला हूँ। एचटीएमएल में एक हमारा ऑब्जेक्ट टैग होता है, उसका क्या यूज़ होता है मैं वो बताऊंगा, और एक एम्बेड टैग होता है। इन दोनों टैग के यूज़ के साथ साथ आज हम अपनी वेबसाइट के पेज पर ऑडियो और वीडियो कैसे ऐड ऑन करते हैं और उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं गाइस, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आज एक नया चैप्टर है हमारा, लाइक मेजर जो टॉपिक है ऑडियो वीडियो है, पहले मैं उसके बारे में बताया तो फिर आपको ऑब्जेक्ट एंड एम्बेड टैग के बारे में बताऊंगा। तो ऑडियो और वीडियो लगाने के लिए गाइस सबसे पहले हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो पिछले पेज से। तो कंट्रोल एन से मैं एक नया पेज ले रहा हूँ। सबसे पहले मेरा पेज को सेव एज कर लूंगा, जैसे मैं हमेशा करता आया हूँ। आपको भी सबसे पहले पेज को सेव एज करना है। लाइक जो मेरा फोल्डर है आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप के अंदर, एचटीएमएल नाम से फोल्डर है, उसी में ही हम सेव करेंगे। आज जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं वो मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, media.html। ऑडियो वीडियो इमेज ग्राफिक जो भी एड ऑन करना होता है गाइस, इसको मीडिया ही बोलते हैं। तो इसलिए मैंने पेज का नाम media.html रख दिया। इसे बेसिकली मैं आपको अभी ऑडियो और वीडियो टैग कैसे यूज़ किया जाता है वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो पेज को सेव एज कर दिया, पेज हमारा सेव हो गया है। देन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है हम वो लिख देते हैं, HTML और HTML टैग क्लोज हुआ। देन आपका हेड टैग, आपको भी गाइस इसी तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है हमेशा। सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर लिख दो जो आपको काम करना है, देन उसके बाद बॉडी के अंदर काम किया जाता है। मीडिया टैग्स और टाइटल बंद कर दिया। फाइनली बॉडी के अंदर आके हम लोग अपना कोड करेंगे जो भी हमें काम करना है। तो गाइस पहला जो टैग है मैं वो बताने जा रहा हूँ, थोड़ा पेज को जूम आउट कर लेता हूँ, इसे आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा। जो फर्स्ट टैग है जिसको बात कर रहा हूँ मैं कमेंट में डाल देता हूँ। पहले हम लोग गाइस बात करेंगे नंबर वन पे वीडियो टैग के बारे में। वीडियो टैग बेसिकली क्या होता है, लाइक आपको कोई भी MP4 फाइल या आपका कोई भी वीडियो फाइल का फॉर्मेट हो, .avi हो या आपका .wav हो, आपको कोई भी वीडियो फॉर्मेट की फाइल को अगर आपको वेब पेज पे लगाना है तो आपको वीडियो टैग यूज़ करना है गाइज। वो कैसे लगाना है मैं आपको भी इसका एक सिंटैक्स लगा के दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको वीडियो फाइल का सिंटैक्स मैं लिख देता हूँ कि कैसे लिखना है। सिंटैक्स गाइस जनरल फॉर्म है, उसको आपको याद रखना है किस तरीके से हमें कोई भी टैग वीडियो पे लगाना है। लाइक आपका एक वीडियो टैग होता है, वीडियो के अंदर गाइस आपका जो भी एक कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे वो आपको लगाने हैं, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो एट्रीब्यूट्स को भी हमें छोड़ दिया और वीडियो टैग को हमने अभी क्लोज कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पर आके आपको यहाँ पर सोर्स पूरा लिखना है, SRC। देन हमारा जो भी वीडियो का फाइल का URL होगा, जैसे इमेज का URL डालते थे वैसे ही हम इसमें URL डालेंगे। जस्ट गाइज आपको इतना ही लिख देना है और ये आपका सोर्स आपका क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है गाइज, ये आपका वीडियो का बेसिक सा इतना सा टैग है, बस आपको इतना लिखना है। बाकी आपको टाइप और भी चीज़ें होती है एट्रीब्यूट सोर्स के अंदर, बट वो लिखना मैंडेटरी नहीं है, जस्ट इतने लिखने से वीडियो आ जाएगी। अभी मैं लाइक इसके अंदर आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, कोई भी वीडियो लगा के दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले गाइस आपको लाइक वही जो मैं सिंटैक्स करा उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, वीडियो और वीडियो टैग बंद। आपका सोर्स आएगा, सोर्स पूरा लिखना होता है, सोर्स फिर SRC, जैसे मैंने सिंटैक्स लिखा है मैंने इतना ही लिखा है गाइस। तो इसके हिसाब से ही आपको काम करना है। अब हम इसके अंदर आके गाइस जो भी हमें वीडियो लगानी है वो आपको लेनी है। वीडियो जो भी आप लगाओगे वही सेम तरीका है गाइस, एब्सोल्यूट पाथ लगाना नहीं है आपको, रिलेटिव ही लगाना है। रिलेटिव मींस आपको शॉर्ट पाथ यूज़ करना है, मींस वो जो भी वीडियो फाइल है उसको पहले अपने फोल्डर में रख लो, देन उसके बाद ही जैसे हम इमेज लगाता ये आ रहे हैं वैसे ही लगाना है। तो मैं जो वीडियो मुझे लगानी है वो वीडियो पहले मैं अपने किसी भी ड्राइव से उठा के अपने फोल्डर में रख लेता हूँ। लाइक फॉर द एग्जाम्पल, मैंने ये वाली वीडियो फाइल ले ली और जो मेरा फोल्डर है, मैं डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है मैं उसके अंदर आ जाता हूँ।
यहाँ पर आके वो वीडियो फाइल मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दी, मतलब मैंने बेसिकली वो फाइल अपने फोल्डर में रख ली है, आप भी इस तरीके से रख लेंगे। जो भी मेरा फोल्डर में फाइल है वो एक MP4 फाइल है गाइस, क्योंकि हम वीडियो लगा रहे हैं। बेसिकली मैंने इसका नाम कॉपी करा, आप कॉपी करके या टाइप भी कर सकते हैं, देन उसके अंदर आके आपको जस्ट ये वीडियो का आपको इस तरीके से वो डाल देना है, जो भी आपका वीडियो का नाम है। ठीक है गाइस, ये आपको करना है। आपको एक सबसे जो मैंडेटरी टैग है वो लगाना होगा इसके अंदर, जो एट्रीब्यूट हमें आता है इसके अंदर कंट्रोल्स, कंट्रोल्स गाइस आपको ये लिखना है। इसको लिखने से ही वीडियो के जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, लाइक उसको स्टॉप करना, क्लिक पे चलाना, बड़ा करना, उसको जूम आउट करना, उसकी वॉल्यूम कंट्रोल करना, एवरीथिंग वो कंट्रोल एट्रीब्यूट से ही आपको विजिबल होएगी। इसको चेक करते हैं गाइस कि आपका ये कैसा आ रहा है वीडियो टैग। तो जो मैंने फॉर्म बनाया है वो आपका जो वीडियो का फॉर्म है मीडिया नाम से, ये ना गूगल क्रोम पे भी चेक करेंगे, फायरफॉक्स पे भी चेक करेंगे, दोनों पे चेक करके देख लेते हैं। पहले मैं इसको मोज़िला फायरफॉक्स पे चेक कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। तो गाइस ये देख रहे हैं आप कि वो वीडियो बाय डिफॉल्ट मेरे पेज पे इस तरीके से विजिबल हो रही है, और यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट चली नहीं है, इसका पूरा एक प्ले बटन आ रहा है, टाइम आ रहा है, 42 सेकंड की वीडियो है, वॉल्यूम आ रहा है, और इसको हम फुल स्क्रीन इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी दिख रहा है आपको। ठीक है गाइस, मैंने इसको आगे जैसे क्लिक करा, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, ये वीडियो गाइस सब प्ले हो गई है बेसिकली, लास्ट वीडियो में ठीक है। तो इस तरीके से टाइम चल रहा है, मैं इसका जैसे वीडियो चल रहा है मैं इसकी वॉल्यूम को बंद कर सकता हूँ, मेरे पास कंट्रोल है, मैं इसको चलते वक्त ही फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट इसमें ऑप्शन दे रहा है। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि सिंपल तरीके से वीडियो टैग कैसे लगा सकते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं गाइस कि मोज़िला फायर आपका क्रोम पे कैसा दिखा रहा है, ये तो मोज़िला फायरफॉक्स पे दिखाया था, क्या उस पर कुछ बिहेवियर अलग है, तो उस पर आके देखते हैं। उस पर भी गाइस ये सपोर्ट कर रहा है, क्लिक करके देख लेते हैं। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, सारे टूल्स इसके अंदर भी आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में गाइस मीडिया टैग कैसे लगा रहे हैं, वीडियो का वीडियो टैग हमने लगाया। अब मैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करूंगा बेसिकली, कि कंट्रोल एट्रीब्यूट्स लगाने से तो सारे कंट्रोल्स आए थे, अगर मैं ये हटा दूं तो देखते हैं क्या आपका इफेक्ट पड़ता है। रिफ्रेश किया तो गाइस आपके पास सारे कंट्रोल्स देख रहे हो सब हट गए, वो वीडियो लाइक एक फोटोग्राफ लग रही है कि लाइक कोई इमेज लगाई हुई है, ऐसी वीडियो का कोई यूज ही नहीं है बेसिकली। फायरफॉक्स में तो इस तरीके से दिखा रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ गूगल क्रोम पे, उस पे भी सेम कंट्रोल्स हटाने से मैं इस वीडियो को कुछ भी क्लिकिंग नहीं कर सकता हूँ, कोई प्ले नहीं कर सकता, सारे कंट्रोल्स मेरे से हटा दिए गए हैं, कंट्रोल एट्रीब्यूट हटा देते। तो गाइज ये मैंडेटरी है, खासकर जब आपने कोई और कंट्रोल लाइक ऑटो प्ले नहीं लगाया, जो मैं अब लगाऊंगा। ठीक है गाइज, तो वीडियो टैग में कंट्रोल्स एट्रीब्यूट मैंडेटरी होता है एक तरीके से लगाना। देन ये वीडियो में जब आपका चला तो क्लिक करने पे ही चला, अगर आप चाहते हो कि जैसे पेज ओपन हो खुद चल जाए, ऑटोमेटिकली चल जाए, तो उसके लिए गाइज आपको ऑटो प्ले लिखना होता है, ऑटो प्ले। बट गाइज एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऑटो प्ले आपका तभी वर्क करेगा जब इसके साथ म्यूट कीवर्ड एक लगाया जाता है, तभी ऑटो प्ले वर्क करता है, अदरवाइज ऑटो प्ले वर्क नहीं करेगा। लाइक मैं आपको पहले चेक कर देता हूँ सिर्फ ऑटो प्ले लगा के कि वीडियो टैग वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ये मेरा लाइक गूगल क्रोम पे मैंने पहले चेक कराया तो ऑटो प्ले नहीं चला, वरना वीडियो खुद ही ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती, मतलब ऑटो प्ले क्रोम ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं कर रहा। सिर्फ मैंने आके मोज़िला फायरफॉक्स पे ट्राई किया, रिफ्रेश किया पेज को, इसके अंदर भी गाइस ऑटो प्ले ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ऑटो प्ले आपका डायरेक्टली वर्क नहीं करता, आपको इसके लिए म्यूट कीवर्ड लिखना पड़ता है तभी ऑटो प्ले वर्क करेगा। म्यूट मतलब वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी बट म्यूट के साथ, वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट क्रॉस आएगी। चेक करते हैं म्यूट लगा के, स्पेस म्यूटेड, डी लगाना जरूरी है गाइस, ये पॉइंट म्यूट में डी लगता है, क्योंकि मैं आगे आपको आने वाले टाइम में यूट्यूब्स की वीडियो के साथ ही बताऊंगा, उसमें डी नहीं लगता है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, म्यूटेड लिखा जाता है बेसिकली इसके अंदर। अब इसको चेक करते हैं दोनों ब्राउजर पे, पहले मोज़िला फायरफॉक्स पे चेक कर लेते हैं। मैंने खोला पेज को, रिफ्रेश किया तो देखो गाइस ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो गई है, मैंने कोई क्लिकिंग नहीं करी है इसके अंदर, और बट आपका जो वॉल्यूम है बाय डिफॉल्ट देखोगे तो आपका क्रॉस आ रहा होगा। तो गाइज इस तरीके से हम ऑटो प्ले को कर सकते हैं। गूगल क्रोम पे चेक कर लेते हैं एक बार, गूगल क्रोम पे आया, इसको भी रिफ्रेश किया तो गाइज इस पर भी ऑटो प्ले वर्क कर रहा है बट म्यूट के साथ कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऑटो प्ले वीडियो टैग में करता है बट म्यूट के साथ करता है। ठीक है गाइज, अब हम आगे आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है जैसे कि आपका ये वीडियो आप चाहते हो कंटिन्यू चलती रहे, कभी रुके ही ना, मतलब एंड हो दोबारा स्टार्ट हो जाए, एंड हो दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो गाइज उसके लिए हम लूप एट्रीब्यूट लगाते हैं। लूप एट्रीब्यूट लगाने से वीडियो कभी भी रुकेगी नहीं, आपकी चलती ही रहेगी,
फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल क्रोम पे आकर रिफ्रेश किया तो ये वीडियो अब स्टार्ट हो गई है क्योंकि म्यूट लगा है, ऑटो प्ले लगा हुआ है। मैं बिल्कुल एंड पे ले जाता हूँ एक बार इसको और देखता हूँ कि ये वीडियो आपका एकदम एंड होने के बाद दोबारा से चली है नहीं चली है। ये वीडियो देखिएगा, इसमें बिल्कुल एंड पे ले जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली दोबारा से ऑटोमेटिकली चल जाती है। मीन्स हमारा लूप कीवर्ड काम कर रहा है गूगल क्रोम में। मोज़िला फायरफॉक्स में चेक करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स पे देखेंगे। मैं बिल्कुल एंड पे ले आता हूँ एक बार इसको और देखते हैं दोबारा से इस पर ऑटोमेटिकली इस पर भी चल गया, मतलब लूप आपका वीडियो टैग के अंदर काम कर रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम ऑडियो और वीडियो टैग यूज़ करेंगे। वीडियो टैग मैंने आपको बेसिकली बताया कि किस किस एट्रीब्यूट से क्या क्या काम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कोई लाइक लोकल वीडियोज है जो वेब पेज पर दिखाना चाहते हो तो आप विद हेल्प ऑफ वीडियो टैग इसको लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस ऑडियो टैग की। गाइस बेसिकली अब मैं आपको ऑडियो टैग बताया था कि ऑडियो टैग मतलब एक MP3 फाइल को हम अपने वेब पेज पे कैसे लगा सकते हैं। जैसे आप कई बार आप देखते भी होंगे कोई वेबसाइट ओपन हुई उस पर कोई बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक साउंड आपका प्ले हो गया ऑटोमेटिकली या कोई गाना आपका चल रहा है स्मूथ, तो गाइस इस तरीके की कोई टैग आपको चाहिए हो तो उसके लिए ऑडियो टैग हम यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो टैग कैसे लगाया जाता है अब मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ऑडियो टैग का गाइस सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स यूज़ कर बता देता हूँ कैसे यूज़ होता है। लाइक इस तरीके से हम ऑडियो टैग लगाएंगे। मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ आपका ऑडियो और इसके अंदर भी एट्रीब्यूट आ सकता है वो मैं अभी बताऊँगा आपको। ऑडियो लिख के ये आपका टैग क्लोज हो गया। सेम वैसे ही जैसे हमने वीडियो लगाया था सोर्स SRC और आपका जो भी वीडियो का आपका ऑडियो का पाथ होगा हम वो लगा देंगे इसके अंदर गाइस। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम ऑडियो टैग लगा के देखते हैं। ऑडियो जो भी आपको लगानी है और ऑडियो टैग क्लोज हुआ। फाइनली इसके अंदर आपका सोर्स जैसे मैंने सिंटैक्स में लिखा SRC और वो ऑडियो फाइल आपके पास होनी चाहिए जैसे हमारे पास वीडियो फाइल थी। ऑलरेडी गाइस मैंने अपने फोल्डर के अंदर एक ऑडियो फाइल रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देन उसको ही मैं लिंक करूंगा। आपको भी पहले सेम वैसे आपको रख लेनी है। लाइक मेरी जो फाइल है इस तरीके से इसमें रखी हुई है, MP3 फाइल है, तो इस तरीके से मैं इस फाइल का नाम कॉपी कर रहा हूँ और अपने इस पेज पर Ctrl+C और जस्ट आपको यहाँ टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आप यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, जो मेरी फाइल का नाम है वो हमने रख दिया। ठीक है गाइस, अब इसको चेक करते हैं कि ऑडियो फाइल से आपका आया नहीं आया। मैंने भी कोई और एट्रीब्यूट नहीं लगाया, इस पॉइंट को ध्यान रखना गाइस। अब इसको पहले रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस इस पेज पर आप देख रहे हो कहीं भी ऑडियो टैग आपका ऐसा कहीं विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, ये मोज़िला फायरफॉक्स था, वीडियो आपकी चल रही है, ये गूगल क्रोम है इस पर चलाया तो उस पर भी कहीं भी ऑडियो टैग नहीं विजिबल हो रहा गाइस। क्योंकि इसलिए विजिबल नहीं हुआ आपका क्योंकि मैंने ऑडियो टैग के अंदर अभी तक एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट नहीं लगाया क्योंकि वो दिख नहीं रहा है आपका। जो हमारा इसके अंदर सेम वे था वीडियो में कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स आपका लगाऊंगा तभी वो विजिबल होगा। तो मैंने इसको आकर रिफ्रेश किया गूगल क्रोम पे तो आपको दिख रहा है ये ऑडियो टैग आपका। लाइक मैं एक BR लगा देता हूँ गाइस, शायद आपको थोड़ा सा तब क्लियर होगा क्योंकि वो मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पर आ गया है। मैं इसके अंदर एक BR लगा देता हूँ जिससे वो नीचे आ जाएगा और एक HR लगा देते हैं जिससे कि वो आपका थोड़ा सेपरेट हो जाए। फायरफॉक्स पे चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो गाइस आपको भी दिख रहा होगा बिल्कुल कि एक ऑडियो टैग इस तरीके से विजिबल हो रहा है। वीडियो को हम स्टॉप कर देते हैं जिससे वो रुक जाएगी वहीं पर और आपका ऑडियो टैग इस तरीके से विजिबल हो रहा है कंट्रोल लगाने से। आपका प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या इस पर वो गाना बजा है, मतलब लगा है नहीं लगा। तो गाइस आई थिंक आपको इसमें वॉल्यूम थोड़ी आ रही होगी। ये गाइस तो इस तरीके से हम ऑडियो टैग लगा सकते हैं। तो ये मैंने मोज़िला फायरफॉक्स पे चेक कराया, अब मैं इसको गूगल क्रोम पे चेक करा देता हूँ। रिफ्रेश किया तो जो वीडियो टैग है उसको भी स्टॉप कर देते हैं इसमें और ऑडियो टैग का प्लेयर इसमें इस तरीके से बना हुआ आ रहा है। प्रेजेंटेशन दोनों की अलग हो सकती है ब्राउजर टू ब्राउजर, जैसे उसमें ब्लैकिश आ रहा था बैकग्राउंड में इसे वाइट आ रहा है। प्ले करके देखते हैं गाना चल रहा है नहीं चल रहा। गाना चल रहा है गाइस, ठीक है, तो ऑडियो टैग इसमें भी काम कर रहा है। तो गाइस इसके अंदर भी हम कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। कंट्रोल से बेसिकली विजिबिलिटी होती है जो आपको लगाना है अगर आपको विजिबल कराना है तो, अदरवाइज आप इसके अंदर भी ऑटो प्ले लगा सकते हैं जैसे वीडियो टैग के अंदर लगाया था बट म्यूट के साथ, म्यूटेड के साथ आपको ऑटो प्ले इसमें लगाना है। आप इसको चेक करते हैं एक बार, ये गूगल क्रोम पे चेक करा रहा हूँ पहले मैं। तो वीडियो टैग को स्टॉप करा
तो आपका देखो ऑटो प्ले इसमें अभी तक नहीं हुआ है, ऑटो प्ले नहीं हुआ बट म्यूट हो गया है क्योंकि चल रहा होता तो ये आपका प्ले इस तरीके से हो जाता। मोज़िला फायरफॉक्स पे चेक करते हैं। गाइस मोज़िला फायरफॉक्स पे देखो ऑटो प्ले ऑटोमेटिकली हो गया म्यूट के साथ, बट क्रोम पे नहीं हो रहा था। ये पॉइंट आपको समझना है गाइस, थोड़ा नोट करना है। ब्राउजर डिफरेंस भी आ रहे हैं इसमें काफी ज्यादा, ऑटो प्ले इसमें काम नहीं कर रहा है गूगल क्रोम के अंदर, बट मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर ऑटो प्ले काम कर रहा है। मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो इसके अंदर आपका जो नीचे आ रहा है वो टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, मीन्स आपका ऑडियो टैग चल रहा है म्यूट के साथ चल रहा है। मैं वॉल्यूम अप कर देता हूँ तो आपको देखिएगा गाना ऑलरेडी चल रहा है इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मे बी हो सकता है कुछ ब्राउजर में चले कुछ ब्राउजर में ना चले, तो आपको कुछ स्पेशल सेटिंग इसकी करनी पड़ती है उस केस में। तो आई थिंक आपको गाइस इसमें भी अगर आपको लूप लगाना है तो आप वही लूप लिख दोगे, लूप से ही गाना एंड होगा देन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं मोज़िला फायरफॉक्स पे, बिल्कुल एंड पे ले आता हूँ, वॉल्यूम अप कर देता हूँ। गाना एंड होने वाला है, देखते चल नहीं चल रहा है। वेट कर लेते हैं, गाना ऑटोमेटिकली गाइस प्ले हो गया है, मींस इसके अंदर आपका काम कर रहा है। वो वीडियो टैग से कोई वर्क नहीं है, वो सेपरेट टैग है, उसको मैंने स्टॉप कर दिया, गाना बेसिकली आपका चल रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इसको हम चला सकते हैं। आपका ऑडियो टैग कोई भी MP3 फाइल लगाने के लिए बेसिकली यूज होता है। ऑडियो कैसे लगाई जाती है गाइस समझ गए होगे आई थिंक आप, वीडियो कैसे लगाई जाती है ये भी आप समझ गए होगे। ठीक है गाइस, अब मैं आपको दो एक्स्ट्रा टैग और बता देता हूँ। बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट टैग होता है और एक एम्बेड टैग होता है, इनका क्या यूज़ होता है ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। बेसिकली ये दोनों टैग अब यूज़ होते नहीं है, ये HTML4 के टैग होते थे, इनकी जगह आपका जो आई फ्रेम टैग था जो वीडियो नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो गाइज आपने नहीं देखी है तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और एम्बेड टैग का काम हमारा एक तरीके से आई फ्रेम टैग करता है। तो गाइज उसमें मैंने कुछ डिटेल्स आपको बताई हुई है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लेना, क्योंकि बट मैं आपको ये चीज़ दोबारा बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट और एम्बेड टैग, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि इन टैगों का भी क्या यूज़ होता था। ठीक है गाइज, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइज हम दो टैग की बात और कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट टैग के बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली ऑब्जेक्ट टैग कैसे उसका सिंटैक्स लिखा जाता है और क्या उसका यूज़ होता था। चलिए वो लगा के देख लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा और। ऑब्जेक्ट टैग गाइस सबसे पहले मैं इसी में लगा रहा हूँ इसी पेज पर, तो एक HR लगा लिया जिससे थोड़ा सेपरेट हो जाए और एक BR भी लगा लिया लाइन ब्रेक हो जाए। तो गाइस अब मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट टैग बेसिकली लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट टैग इस तरीके से लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर आपका जो भी आपको लगाना है लाइक ये आई फ्रेम जैसा ही काम करता था, जैसे जो काम हम आई फ्रेम से करते हैं वही ऑब्जेक्ट टैग करता था बेसिकली। तो ऑब्जेक्ट टैग लगाने के बाद आपको इसको यहाँ पर एक क्लोज हो जाता है, बीच में मैं ऐसे कुछ एट्रीब्यूट लिखूंगा, ऑब्जेक्ट टैग क्लोज हुआ। देन गाइस आपको जो भी इसमें कोई पेज लगाना है उसमें डेटा करके लिखा जाता है, जैसे आपका आई फ्रेम में सोर्स होता है SRC, बट इसके अंदर डेटा होता है। आपको जो भी HTML पेज या कोई वेब पेज आपको लगाना है वो आप इसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैं ऑलरेडी पेज बना चुका हूँ अपने किसी एक उसी फोल्डर में से कोई पेज ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने form.html इसमें लिंक करना चाहता हूँ, तो form.html मैंने इसमें लिख दिया। इसमें जितना भी आप हाइट विड्थ डालना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, फिलहाल हम नहीं डालते, देखते हैं क्या आ रहा है, फिर हम हाइट विड्थ लगा के देखेंगे। तो इसको मोज़िला फायरफॉक्स पे मैंने रिफ्रेश किया, वीडियो को स्टॉप कर देते हैं इंटरप्ट ना हो हम लोग, और आप ये देख रहे हो गाइस आपका जो ये बना हुआ आ रहा है बाय डिफॉल्ट आई फ्रेम जैसा ही दिख रहा है, ये भी हाइट विड्थ नहीं डाली है, तो इसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो form.html से आ रहा है बेसिकली। ठीक है गाइस, मैं इसमें हाइट विड्थ लगाता हूँ, हाइट इक्वल्स टू लाइक मैंने इसका 400 डाल दिया और विड्थ इक्वल्स टू में माई मैंने इसका 500 डाल दिया। अब इसको एक बार चेक करते हैं मोज़िला फायरफॉक्स पे ही किस तरीके से दिखा रहा है। तो जितना मैंने हाइट विड्थ डाला वो भी इस पर काम कर रहा है, बाय डिफॉल्ट इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा, आई फ्रेम में बॉर्डर आता था गाइस, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसको आप गूगल क्रोम पे चेक कर लेते हैं क्या उसमें भी वर्क कर रहा है कि, रिफ्रेश किया वीडियो को स्टॉप कर दिया और आप ये देखोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर भी गाइज ये आपका पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो गाइज इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट टैग को एज ए जो हम आई फ्रेम से काम करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
बट ऑब्जेक्ट टैग आपका एस्टिमेट 4 का टैग होता था गाइस, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आई फ्रेम लेटेस्ट टैग है, आई फ्रेम आपका एस्टिमेट 5 का टैग है, उसी को ही रिकमेंड किया जाता है इस तरीके से कोई और वेब पेज का URL लगाने के लिए। जैसे हम मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ यूट्यूब्स की वीडियो भी लगा के दिखाई थी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूट्यूब्स के बारे में इसमें बताऊंगा कि यूट्यूब की वीडियो को हम आई फ्रेम में लगा के कौन किस तरीके से हम उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, किस तरीके से हम फुल स्क्रीन का बटन हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, उसके कंट्रोल्स को हम हाइड कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। तो गाइज ऑटो प्ले उसमें कैसे लगेगा, तो लूप कैसे लगता है, ये सब चीज़ें मैं आपको यूट्यूब से जब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो आपको सारी आई फ्रेम की चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट टैग आपका वैसे ही काम कर रहा है बट इसको रिकमेंड नहीं किया जाता गाइज, बस आपको समझना था, मेरे को बताना था कि ऑब्जेक्ट टैग भी होता था, जब आई फ्रेम नहीं आता तो सारा काम हम ऑब्जेक्ट टैग से ही करते थे। सेम वैसे गाइज दूसरा एक टैग होता है जिसको हम एम्बेड टैग बोलते हैं, वो भी यही काम करेगा, उसको भी मैं एक बार लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे गाइज लाइक आपका मैंने इसे BR लगा दिया, लाइन ब्रेक कर दी और एक HR लगा दिया सेपरेट करने के लिए। तो गाइज अब मैं इसके अंदर एम्बेड टैग लगा रहा हूँ, EMBED एम्बेड टैग होता है इसके अंदर गाइज, सोर्स होता है जैसे हम लगाते हैं, और जो भी आपको पेज लगाना है, चाहूँ तो मैं form.html सेम ले सकता हूँ बट मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, कोई और पेज ले लेता हूँ। अब लाइक list.html लगा के देख लेते हैं इसके अंदर, तो जो हमने पहले ऑलरेडी बनाए थे list.html लिंक कर दिया। तो गाइज इसको ये जो टैग होता है ये आपका क्लोज नहीं होता, तो मींस आपका अनपेयर टैग होता है, यहीं का यहीं क्लोज होता है, मैंने हाइट वेट अभी नहीं डाली है। अब इसको लगा के देखते, चला के देखते कैसे काम कर रहा है, कि ये भी वैसे ही आउटपुट देगा जैसे आपका ऑब्जेक्ट टैग दे रहा था। तो गाइज नीचे आके देखते हैं, देखिए गाइज ये भी आपका सेम आउटपुट दे रहा है जो आपका ऑब्जेक्ट टैग दे रहा है। लिखने का तरीका आपका सोर्स हो गया, हाइट एंड विड्थ लगा सकते हैं, वो भी लगाऊंगा, पहले गूगल क्रोम पे भी चेक करा देता हूँ। गूगल क्रोम पे आप देखोगे इसके अंदर तो इसमें भी ये सपोर्ट कर रहा है गाइज, ठीक है। हाइट विड्थ लगा देते हैं इसके अंदर भी, जैसे हमने ऑब्जेक्ट टैग में लगाई थी, हाइट इक्वल्स टू में लाइक इसके अंदर हाइट मैंने 500 डाल दी और विड्थ इक्वल्स टू में आपका 600 डाल दिया। गूगल क्रोम पे चेक कर लेते हैं, पहले रिफ्रेश किया और आप देखोगे जितना हाइट विड्थ उसे मेंशन कर रहा है उस हिसाब से ये लिस्ट इन एचटीएमएल वाला जो पेज है वहाँ से डेटा इसके अंदर आ रहा है, कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है इसके अंदर भी। मोज़िला फायरफॉक्स पे चेक कर लेते हैं कि आपका एम्बेड टैग काम कर रहा है प्रॉपर, तो गाइज इसके अंदर भी प्रॉपर आ रहा है, ठीक है गाइज। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आज बेसिकली जो हमने कवर किया, एक वीडियो फाइल कैसे अपने वेब पेज पर लगा सकते हैं, एक ऑडियो फाइल MP3 फाइल को हम अपने पेज पर किस तरीके से लगा सकते हैं, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट है और किससे बेसिकली क्या काम हो रहा है, मैंने आपको मेजरली ये बताया है, और आपका ऑब्जेक्ट टैग किस तरीके से काम करता है और आपका एम्बेड टैग किस तरीके से काम करता है। ये दोनों टैग हालांकि अब फिलहाल यूज नहीं होते क्योंकि HTML 4 के टैग होते थे, इनका रिप्लेसमेंट लेटेस्ट टैग आ गया है आई फ्रेम टैग गाइज, जो मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बताया था HTML की में आई फ्रेम टैग के बारे में। तो गाइज अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आई फ्रेम टैग का काफ़ी यूज होता है क्योंकि जो हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करने वाले हैं यूट्यूब्स के बारे में, बताऊंगा आपको कि यूट्यूब की वीडियो को आप अपने पेज पर कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी हम आई फ्रेम टैग ही यूज़ करेंगे, बट हम आई फ्रेम के कंट्रोल्स कर पाएंगे यूट्यूब की वीडियो को, कंट्रोल्स को किस तरीके से हटाना है, किस तरीके से उसमें लूप एड ऑन किया जाता है, किस तरीके से ऑटो प्ले उसमें किया जाता है। तो गाइज ये सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड उसमें बताऊंगा। तो गाइज मेरे साथ ये सब चीज़ देखने के लिए चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना, और कुछ पूछना होगा इस तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय बाय।